गुरुदेवता वंदनम सर्व साधुवा प्रणामाम पारांगत पर ब्रह्म परा परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्दादु वंदनम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। गजब की बांसुरी बसती है वृंदावन बसैया की करू तारीफ मुरली की मुरली धर कन्हैया की। गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई पथ राखी प्रहलाद की तो बही भरो तो मोए। पथ राखी प्रहलाद की बही भरो तो मोए। वही भरोसो मोई आई के हेड़ा कुछ संहारो और आपन सुकर बन के अरे बारह रूप तन। आपन सुकर बन के नाथ जब हेड़ा तुको अब मारो। राम रूप धर के प्रभु जी दस कंधर को संहारो जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली मारो। जन आधार की लाज बचा जा मोहन मुरली मारो। जनिया धार की लाज बचा जा मोहन मुरली बारो। कन्हैया मुरली बाले हाँ कन्हैया मुरली बाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ।
में आधार पुकारे हाँ शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ। काल सुनी पियाया बन की और चातुर नार सिंगार बनायो क्या हुआ बीली पहुंची पहुंचन में और पीरो हार गले लटकायो पीरी पाचन को पलकाय और पीर निवारण सो भरवायो हर के वियोग में पीर भई और पीर फटी जको पिया न आयो कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। क्या बताऊं एक दिन में यूं ही गली में जा रही थी तिरछी चतुरा वाले उसी गली में आवाज लगाने लगे ए खड़ी हो जाओ। मैंने पीछे मुड़ के देखा हाय हाय ऐसे रसिक बोलों से रिझाया हम ऊन तो तेरी गली मन मान सुनाई कहा कुल रोकू और क्या बोले सांझ सवेरे की फेरी करो और नींद न आते घड़ी पल मुको तुम धन जैसी कठोर सुनी और तैसी कठोर कली तुम मोको रूप दियो तो करता ने पर दयान दई निर्दायन तुको कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। मगर फिर तुमने क्या कहा क्या कहती मेरे लिए तो सिर्फ एक जवाब था और वही जवाब मैंने अपने हृदय सम्राट को दिया है क्या उनकी कांचिन में मुरलिया देखी ना मेरा दिल भमरा की तरह उड़ के उनके आगोश में पहुंच गया फिर क्या हुआ मैंने एक जवाब दिया ना 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 हटो पीछे सांझ सवेरे की फेरी करो घर बोले बोल मुत नंद जेठानी तुम तो कहो हम ही चतुरा तुम से चतुरा न परखे परछाई ऐसो न हो कहूं कलंक लगे आधार यही दिल रही डराई कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ। गुजारे करो जी हमारे लीजे खबरी बोहर का वाले श्रीपति नंद दुलारे लीजे खबर बोहर का वाले श्रीपति नंद दुलारे तुम ही मम कैसो हरोगे महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बली आधार की लाज रखोगे। मेरे नौजवान साथियों आदर के योग बुजुर्गों प्यार करने योग बच्चों सीता अनुसुईया सावित्री जैसे भूमि में पलने वाली हमारी माताएं व बहनें हमारे हर प्रोग्राम को आप लोग राठौर कैसेट के माध्यम से लेते रहे और ये प्रोग्राम ये जो भी हमने दिया है सर्वे अधिकार के माध्यम से वो प्रोग्राम शायद आपके लिए प्रिय होगा और मैं आशा करता हूं कि सदा सदा हर प्रोग्राम को दे करके आपको जीतने की कोशिश करूं। प्रोग्राम राठौर कैसेट के माध्यम से ही आप लोगों तक पहुंचेगा। वैसे तो लोग
हमारे कैस्टों को कई रूप से नकली बना करके बैठ रहे हैं, मगर कुरारी से जो कैस्ट ली जाती है वो असली कैसेट है और हमारा यहीं से आविष्कार भी हुआ है। इसलिए आप लोग आज इस कैसेट के माध्यम से, राठौर कैसेट के माध्यम से एक महान विलक्षण तपस्वी की कथा सुनने जा रहे हो। नाम सुना होगा तुमने, एक हिंदुस्तान में बहुत अच्छा साधु हुआ है जिसका नाम था नरसी। किस तरह से भगवान ने भक्त नरसी की संयम भक्ति पर प्रसन्न होकर रामा जैसी बेटी का भतैया बन करके और उसने उसके सतीत्व की रक्षा की। हाँ, यह मैं और बता दूं कि नरसी भक्त तो जूनागढ़ में हुआ है और ये कौम का कौन था, वैश्य, जिसे आप लोग बनिया बोलते हैं। मूंगावल नाम के बहुत अच्छे सेठ थे, उनके 5 लड़के थे। नरसी सबसे छोटा था और बड़े लड़के का नाम था विक्रम, जो बहुत ही रोजगार में बिजी रहता था। शायद उसे प्रभु के नाम के लेने की फुर्सत नहीं थी। भक्त नरसी के कुछ संस्कार बड़े विलक्षण थे। एक बात और बता दें, शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि भक्त नरसी जो था वो पूर्व जन्म में कौन था। भक्त नरसी पूर्व जन्म में एक बनी का राजा शेर था और ये मानवों का भक्षण किया करता था। शेर का खुराक ही होता है मानव का मांस। कोई दाऊ जी की यात्रा को जा रहा था और उसी रास्ते से, जिस रास्ते पर ये शेर रहता था, जो शेर ने इसको देखा, एकदम से गुफा से दहार के निकला और वो पथिक जो है ना, हाय हाय, शेर की दहाड़ को सुन के उसके पैरों के तल धरती खिसक गई। मगर कुछ संस्कार ऐसे जागृत तो हुए उस शेर के अंदर कि वो मानव की भाषा में बात करने लगा और यह बोला कि तू कहाँ जा रहा है। जवाब दिया, मैं दाऊ जी की पूरी बात कह, डरने की कोशिश न कर। जवाब दिया, मैं दाऊ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। शेर ने कहा, दर्शन करने जा रहा है तो हम तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर ले कुछ हमारे पास भेंट है दाऊ जी के लिए, इस भेंट को लिया जा। जो भी स्त्रियों का उसने आमिष खाया था, उनके जो जेवरात थे वो निकाल के दिए कि जाओ दाऊ जी को दे देना। दाऊ जी को जाकर के सामने वो अर्पण कर दिए हैं तो दाऊ जी ने 2 झांझे दी और आवाज लगाई है कुछ बनी के राजा शेर को, जाकर के ये झांझे दे देना। जाने वाले पथक ने सोचा कि उधर से मुझे इसलिए नहीं उसने खाया है कि हम उसके स्वार्थ में थे, मगर अब उसका स्वार्थ खत्म हो गया है और अब मुझे जरूर खा लेगा, तो उस रास्ते को उसने छोड़ दिया और दूसरे रास्ता से निकल पड़ा। शेर के अंदर दैविक शक्ति थी इसलिए वो उसी रास्ते पर खड़ा हो गया और ललकार के बोला, तेरे मन में बेईमानी आ गई है, अरे तूने दाऊ जी की सूचना मुझे क्यों नहीं सुनाई। हाय हाय, पथिक कांपने लगा, बोला, हम डर के मारे उस रास्ते से नहीं गुजरे। खैर कोई बात नहीं, दाऊ जी ने कुछ हमारे लिए दिया है। जवाब दिया, हाँ, ये झांझे दी। शेर बोला, मेरे आगे पारे बैलों में ये झांझे जो है डाल दीजिए। आगे वाले पैरों में जो झांझे डाली हैं, भगवान का ध्यान धर के शेर झांझे बजा करके नाचना शुरू हो गया। नाचते 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 उस शेर का वहीं प्राणांत हो गया और भगवान के ध्यान में शेर मरा और वो सिंह मर करके नरसी हुआ। याद रखना, नरसी शब्द लगा दिया है कवियों ने, मगर इसका शुद्ध नाम था नरसिंह। पहले सिंह था, फिर नर का स्वरूप धारण किया, इसका नाम इसका पड़ा है ना, नरसी कहने लगे लोग। तो भक्त नरसी वैश्य कुल में पैदा हुआ और इसकी प्राण प्यारी का क्या नाम था, सुशीला। बहुत पिया की सेवा करती थी और भक्त नरसी के संस्कार वो पूर्व जन्म के ऐसे थे कि वो महात्मा में आने जाने लगे, मंदिरों में जाकर के पूरा समय व्यतीत कर देते हैं और शाम को घर आते हैं। सुशीला की जेठानियां सुशीला को रोज जलील करती हैं, अरे बैठी बैठी क्या कर रही है, तेरा पति तो महात्मा हो गया है और तू घर में रानी कैसे बन सकती है जो धेला भी कमाना नहीं जानता। नाना प्रकार से उसके ऊपर व्यंग कसती हैं, मगर
सुशीला कभी अपनी देवरानी जेठानियों से लड़ने की कोशिश नहीं करती। शाम को पिया घर आते हैं, बहुत आदर देती है। यहाँ तक हुआ कि सुशीला के एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम रखा रामा। अब तो उनकी जेठानियां जो थी और सताने लगी, हाँ अब इसके हाथ पीले कौन करेगा, कुछ पैदा नहीं करता, ये दूसरे के धन पर बिटियां जा रही है तू, नाना प्रकार की बातें। मगर सुशीला आंखों में आंसू भर के अपनी जेठानियों के चेहरा को देखती थी, कभी अपने प्रिया से ये नहीं कहती थी, आज हमारी जेठानियों ने हमसे ये कहा। अब तो धीरे धीरे नरसी के भाई ईर्ष्या रखने लगे। एक दिन नरसी जब शाम को घर आया तो विक्रम बोला, इधर आ। शाम ने पहुंचा, कहाँ गया था तू? भैया मैं भगवान का भजन करने गया था। जब विक्रम बोला, नरसी से तू बैठा बैठा खाता है और हम तो यार रोजगार करें तू ढेला नहीं कमाता है। वहां से मंदिर में जाता है और जाकर धोख लगाता है। हम वैश्य वंशों में पैदा है, तू हमको खूब झिकाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अगर मैं ये नहीं कहता तू भगवान का भजन न कर, मगर दिन भर काम कर और शाम को भगवान का नाम ले, हमारा ये विचार है। मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त नरसी कहने लगे, भैया एक बात मानोगे मेरी? क्या? पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है और वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भजन का जीव जगत में आता है। अरे वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भैया इसलिए मेरी तो यही सम्मत है। क्या? प्रभु का भजन करो और दिन भर जीवन काम करो, लेकिन शाम को हरि को ध्यान धरो। अगर मेरी कही मानते हो तो तुम भी प्रभु का भजन करो, यह जीवन बहुत ही कीमती है भैया और इसे यूं मत गमाओ। क्या बोले? तूने हीरा हेराई दियो चपरे में, तूने हीरा हेराई दियो चपरे में, चपरे में भैया चोरे में, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में, तूने हीरा लुटाई दियो। खेल गमायो खेल के लुटायो, बालापन तूने खेल गमायो, जवानी पे नारी से नेह लगायो, तो भूख लगी कैसी अफरे में, तूने हीरा लुटायो जपरे में, तूने हीरा लुटायो। भैया बुरा मत मानो मैं तो सिर्फ तुम्हें आगे की रास्ता बता रहा हूँ। और क्या बोला? ओ भैया कछु धर्म कमाए ले,
तू भी प्रभु से नेह लगा ले, न मुसीबत आ जाएगी डगरे में। तूने हीरा लुटा दिया जबरे में, तूने हीरा लुटा दिया। रे आधार न तूने कछु जानी, गाय के गमाए दई सबरी जवानी। यम की गदा जब पड़ेगी तेरे खपरे में, तूने हीरा लुटा दिया जबरे में, तूने हीरा लुटा दिया जबरे में, तूने हीरा लुटा दिया। लगाई अब लाखों भैया ने लगी बुझाई। अरे समय सब बीतिया झगड़े में, तूने हीरा लुटाई दिया चपरे में, तूने हीरा लुटाई दिया चपरे में, तूने हीरा लुटाई दिया चपरे में। चोरे में भैया चोरे में, तूने हीरा लुटाई दिया चपरे में, तूने हीरा लुटाई दिया। खुले शब्दों में मैं सिर्फ ये कहता हूँ, हमसे नाराज रहो मगर परमात्मा से नाराज होने की कोशिश न करो। एकदम से दाती को पीस के विक्रम कहने लगा, ओ कमीना शायद तू गुरु बन रहा है, याद रख। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर तू हमारे साथ घर में काम करे तो कर, और काम ना कर तो हमसे अलग हो जा। कहने लगे, भैया जो आपकी इच्छा है, अगर आप हमें अलग करना चाहते हैं तो हम अलग होने को तैयार हैं। मेरे बंधुओं, एकदम से विक्रम ने उसी दिन धनवान बांट करके जितना भी दौलत घर में थी सबको बांट करके नरसी को अलग कर दिया। अलग क्या हुआ है नौजवानों? ए माया अरब खरब सुखी बिन सर्व भव अति भारी, अब लाखन को धन माल रे जो रहो है सदा समारी। बहुत दौलत मिली है, बहुत दौलत। और लग गई भारी लगन करे जो भजन, हृदय खुश भारी, हृदय खुश भारी। आधार लगन जब लगी रही रे बाहर में बागी प्यारी, आधार लगन जब लगी रही रे बाहर में जगी प्यारी। अब होनहार सो हुए के मिटे जो मिधना ने लिखी लिलारे काई काई। और ये मुसीबत को चक्कर है बाजा पे कांप जाओ आधार। मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे तो बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आएंगे तो बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे तो बढ़ रही है। भैया मेरे नौजवान साथियों, धनमाल सब बांट दिया गया है और भक्त नरसी को अलग कर दिया। नरसी की बिटिया रामा की उम्र जब 17 वर्ष की हुई है तो नरसी की पत्नी सुशीला ने कही, पिया अब दौलत ये खूब बांटा मिल गई है, लली के हाथ पीले कर दो। आज सिरसागढ़ के महान माने हुए सेठ थे जिनका नाम था मनसा सेठ, उनके लड़के का नाम था गणपत, उसके लिए रामा की शादी निश्चित हुई है। नाई और ब्राह्मण से कहा, जाओ आप वर को देख करके आइए। दोनों देख करके आते, पहले कुछ ऐसे नियम थे कि लड़के को कभी बाप देखने नहीं जाता था, नाई और ब्राह्मण ही जाया करते थे, और उनको जो पसंद आ गया आकर के कह दिया, क्योंकि ईमानदार दोनों ही थे, बाप को भी विश्वास उन पर था और वो भी बेवफाई नहीं करते थे। आज मेरे नौजवान साथियों, बिटिया रामा की शादी कर रहा है नरसी भक्त धूमधाम से, क्यों घर में बहुत दौलत थी, जितनी दौलत थी सब तो शादी में देने को उद्दत हो गया,
थोड़ी दौलत बच गई है, सोचने लगा जब दौलत अगर रही तो मन जाई में अटको रहेगा, प्रभु को भजन ना कर पाएंगे। हाँ याद रखना लोगों, जो दौलत में चकनाचूर है वो प्रभु से बहुत दूर है। भक्त नरसिंह ने दौलत जो थी आज सबको रामा की शादी में दे दी है और रामा की संगई विदा कर दे, और विदा करने के बाद मेरे भगवत प्रेमियों यहाँ तक रामा की खबर नहीं ली है कि रामा बिटिया के एक लड़की पैदा हो गई है और वो लड़की विवाह के योग्य हो गई। तब तक नरसिंह ने अपनी बिटिया की कोई खबर नहीं ली। इधर नरसिंह के घर में जो भी धनमाल था इधर उधर के साधु चले आए, सब चाट गए, कुछ नहीं रहा घर में। इधर रामा की लड़की की शादी है, मनसा सेठ हेतु रिश्तेदारों के लिए खत लिख रहा है और ये कह दिया है कामदार बुलवाए हैं, सभी हित कर बैठा रहे हैं, जरा ख्याल रखो मन में नरसिंह को नहीं बुलाना जी, नंगा है भिकमंगा है वो भीख मांग के खाता है और कौड़ी दमड़ी पास नहीं जो गोविंद के गुण गाता है। सब रिश्तेदार आए मगर हमारा समझी ना आए। भैया आज रामा को पीहर से आए हुए 22 वर्ष हो गए। रामा सोचती थी कि मेरी बिटिया की शादी मेरे बबुला जरूर आएगो, मेरे ससुर जरूर बुलाएंगे, लेकिन रामा ने जब सुना है कि नरसिंह को खत नहीं लिखा गया, पूरी दिन रामा घर में काम करती रही मगर उसकी लाश डोलती रही। शाम को जब सब काम से निवृत्त हो गई तो अपने सास के पैर दबाने लगी और पैर दबाते दबाते रामा की हिचकी नहीं रुकी और आंसू टपक करके सास के पैरों पर गिरे तो सास उठ के बैठ गई। क्या बात है रामा, तू रो रही है? कहने लगी हाँ मैं रो रही हूँ माँ। क्यों? रामा पहले तो डर गई है फिर हाथ जोड़ के अपनी सास से कहने लगी अम्मा एक बात है। क्या? जा दिन से मेरा ब्याह भयो जा सिर सागर में आई हूँ, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाए बुलाई हूँ। और कोई बात नहीं, मुझ पे ऐसी कोई गलती भी नहीं पड़ी है माँ। जा दिन से मेरा ब्याह भयो झांसी रसागर में आई हूँ, ना जाने कौन तकसीर बनी मेरे बबुला नाए बुलाई हूँ। और क्या बोली अम्मा, मैं के की करुणा लग रही है, पीहर की करुणा लग रही है, मैं मैया से मिल आऊंगी, आज्ञा दे देव अब जो अम्मा मैं तो भात न्योत देखो जाऊंगी। अब कामदार कोई कामदार बुलवाए के मैया ससुर पे खबर तो करवा दो, रामा झूना गड़ जाएगी कोई जल्दी से रथ सजवा दो। एकदम से हाथ जोड़ के कहने लगी मैया और कोई बात नहीं है, सिर्फ बात इतनी है माँ कि मैं भात न्योतने के लिए जाऊंगी, मेरे ससुर को बुला करके रथ मंगवा दीजिए। मेरे नौजवान साथियों, रामा की सास को मालूम पड़ा, मन हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में टंग चुभे दिया, दांती को पीस के कहने लगी बहू तू होश में है? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ माँ। एकदम दांती को पीस के कहने लगी होश में है तू? अगर होश में होती तो इस तरह की बात नहीं करती। कैसी बात माँ? सुन नौजवान साथियों, क्या बोली है रामा की सास? सुन रामा के बहन सुरक भयने न कहे झोझलाई, और बहुअर तेरी बूंदे जा घर में हाय बोराई। पगली तर बाबुल असर
गरीब के फूटो नसीब रही धुदलाई रही धुदलाई बाबे के मंगा के पासरी खेबे तो बहुअर नाई बाबे के मंगा के पासरे खेबे तो बहुअर नाई तेरो दिमाग खराब हो गयो अरे तुझे पता ना है कि वो कब को नंगा है गयो बाके पास कछु खेबे को ना है और का बोली है साथ बाबा जी तू माँ बारो है का देवे भात बिचारो है तेरो बाके भोजन को नाए सहारो है मती बहुअर बादर फारो री बाके तेरा दिमाग खराब है जाने कब का नंगा हो चुका है उसके घर में दौलत नहीं है चार चार दिन के पांके हो जाते हैं तेरे बाप को अगर वो यहाँ गया ना मेरी बात मिट्टी में मिल जाएगी नौजवान साथियों एकदम से रामा ने झपट के अपनी सास के पैर पकड़ लिए अम्मा सुन सासुल के बेनरे जब रोई की बिटिया बोले ओ अम्मा तेरे बेनरे कले जो हाय मेरे छोले मेरे सास पास धन बबुला के तो ससुर भेज तो नहीं मेरे बबुला कोने उतो ओरी अम्मारी ओरी सासुलरी मैं के की करुणा मोको लगी रही है मोए काए तो रही हो धमकाए मेरी अम्मारी मैं के की करुणा मोको लगी रही है मोए काए तो रही हो धमकाए ओरी अम्मारी मैं के की करुणा मोको माँ अगर मेरे बाबुल के पास दौलत होती तो क्या मेरा ससुरा मेरे बाबुल को खत नहीं लिखे तो एकदम से जवाब दिया है अरे बेहा अरे वो यहाँ आ गया तो मेरी दो पैसे की बात हो जाएगी इसलिए तू अपनी जवान को बंद करके चुप बैठी रहे रामा कहने लगी अम्मा वैसे तू मेरी सास हो अगर मेरे बाप के पास चांदी के टुकड़ा होते तो तुम जैसी खुशामद करती इसका मतलब है कि अब तुम बहुत लंबी बोलने लगी है कहने लगी मैया सुना है बात एक है क्या अरे चाहे लाख भरो मैया मोती सुनो अरे चाहे लाख भरो मैया मोती और बिन भात न सोवा अम्मा अरे रामायण नाम जब रोती 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 और मैया और करम न को लली बेटा घर में मोती भरे हो मैया बिना बात के सोवा नहीं होती है और इसीलिए मैया कौन मेरे मंडप छाएगा कौन मेरे गले से लगेगो मैया तू खुद ही क्यों ना सोच लेते एकदम से सासु कहने लगी और तू नहीं जाना था तेरे बाप के पास कछु नहीं है मैं सच कह रही हूँ कहने लगी मैया ठीक मेरे बबला के पास नहीं है मैं मानती हूँ लेकिन सुनो क्या अरे उन बागोता बहुत
मैया के तेरो और देखिया जूनागढ़ खेरो। विपत विपत है विपत में विपता विपत में बहलू रे दगा दे जाए। विपत में हितु और नातेदार सब विपत में भैया रे पीठ दे जाए। रे आधार विपत तो टूटी अपना कोई तो दिखावे ना। अरे दिन न चैन और रात नैन लिया तो समन पीछे जो रहे बहराए। अब रामा अम्मा ते रोए रही है धीरे धीरे। ए रामा मैया ते रोए रही है धीरे धीरे और असुअन ते मुख धोए रही है धीरे धीरे। सासों कोई न होवे सहाई जतो करमन को फल ढोए रही है धीरे धीरे। अरे रामा अम्मा ते रोए रही है धीरे धीरे। अब मैं क्या करूं माँ? कुछ नहीं। अगर तू इस तरह अपने बाप के लिए बिलबिला रही है तो रामा की सास ने मनसा सेठ को बुला लिया और मनसा सेठ के सामने कहने लगी, यह बहू का दिमाग खराब हो गया है, वो अपने बाप की रट लगाए है। मनसा सेठ कहने लगा, बहू से कह दो कि भातात की यहां कोई जरूरत नहीं है। अरे वो अपने बाप के लिए मरी जा रही है लेकिन उसके बाप की औकात क्या है? औकात का हमें पता है। क्या बोला है? दर दर की ठोकर खाए रहो है और घर में ना आए खाने को, हमने तो पानी दे दो है इसीलिए समझाने को। के खाने को हमने तो पानी दे रखा है इसी सबब समझाने को। बेड़े याद रखो, इसलिए हम समझाने को पानी दे चुके हैं और उससे कह दो कि जवान न जलाए। तो रामा कहने लगी, पिताजी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बाप के घर में दौलत नहीं है, लेकिन सुनो पिताजी, रोए रोए के रामा कह तेरे ससुरते भैया बानी। बबुला जा दौलत ठगनी काऊ के नारे विरवानी। काहे को पागल हो गए? भैया हेलकी भर रामा ने मुंड दहरी ते मारो है। पंचो हेलकी भर गुड़िया ने मुंड दहरी ते मारो है। यारो हेलकी भर रामा ने मुंड दहरी ते मारो है। दहरी ते मारो है रे मुंड धरती ते मारो है। अब तो हेलकी भर रामा ने के भैया
बबुला के लिए खत नहीं जाएगा। तो मैं सच कह रही हूँ, आंगन में अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। एकदम मनसा सहित कहने लगा, ठहर जा, अगर तू अपने बाप के लिए मरी जाती है तो हम तेरे बाप के लिए चिट्ठी लिख देंगे, ठीक है। रामा को संतोष हो गया। लेकिन नौजवान साथियों, आज किस तरह से मनसा सेठ बड़े बड़े सेठों को बुला करके कहने लगा, इस तरह का खत लिखो कि नरसिंह खत को पढ़ करके जूनागढ़ को छोड़ के भी भाग जाए। सब सेठ बैठ गए हैं और किस तरह से खत लिखा जा रहा है लोगों। हाँ, बैठे गुजराती चाहो लिखा रहे नरसिंह को पाती, बैठे गुजराती चाह लिखा रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती चाह लिखा रहे नरसी को पाती, बैठे गुजराती। ए लिखिया लिखने वाले जरा कलम सही है? हाँ हाँ, कलम बिल्कुल सही, आप बोलिए ना। मगर दवात में स्याही कितनी है? अरे सो आप कितना लिखवाएंगे? जवाब दिया, लिखवाएंगे। कहीं तुम मत घबरा जाना भाई, लिखने वाले हो। ना ना ना, आप लिखिए। क्या लिख रहा है? लिख रहा हूँ मैं तो सामान रे समी था न जड़ी के न्यारे, जू रंग बिरंगे सब तौरे पीतोर भैया तारे। देखिए, आज उस गरीब की हंसी कराने के लिए सेठ जी कितना मुग्ध हो रहा है। ए अतल समख मल दीन टुंटनी तीन मोल के उभारे, मोल के उभारे, लिख दए अनेकन थान रे जाड़े माँ भैया न्यारे। अतलस मखमली जीन टुंटनी तीन मूल की भारे, लिख दया ने कंथान जने मान्यारे। लिखिए, मुस्कर आ रहा है और क्या। अरे अंडी मखमल कसमीरा, अरे अंडी मखमल कसमीरा, लो सुरग बना दी चीरा, अरे जब जड़े तो लगे हो हीरा, हीरा गजब मो हीरा, और दिल रामा के बन जाए हीरा। याद रखना, बोंदी बुल्ला बोलना शीस फूल नगदार, करन फूल और झुमझुमी तो इनकी अजब बहार। सेठ जी कह रहे हैं और क्या। हसुली हमेल मोहन माला, और लयो तुम तो पचमनिया है, दुलड़ी तिलड़ी सब संग लाओ, और संगम सुंदर धनिया है, और सुंदर चीजें ला करके मत जाइयो भूल न थुनिया है, ओ सबई चीजें ला करके मत जाइयो भूल न थुनिया है, चीजें तो कैसी लिखवाए रहो आखिर को जाति को बनिया है, आधार चीज क्या लिखवावे आखिर को जाति को बनिया है, कोई चीज बाकी न रह जाए, और लइयो रकमा तोल बाकरम झोल जड़े मा लइयो, रामा को बिछुआ साट रे भार के तुम बनवाइयो, ओ सुंदर हीरा जड़े हाथ को करे के समधी लइयो, समधी लइयो,
सज बज के नरसी के दिया दाते आइयो, सज बज के नरसी के दिया दाते आइयो। कोई चीज भूल मत जाना, ये ध्यान रहे और लिखिया मुस्कराए रहो है। और क्या बोले, अरे समदीता हो और चीज सब भारी भारी, जिनके लइयो आप समारी, जिनके लइयो आप समारी। सबको हसीरे गई कयार, धीरे धीरे कलम ररकतिए और आधार रे गाँव मुठ गया। तो कलम को रहो है बढ़ाए, मनसा सेठ रे बैठो कुर्सी पे, लिखिए बातें सब रहो है बताए। जबकि कलम अब आगे तो बढ़ी रही है धीरे धीरे, जबकि कलम अब आगे तो चल रही है धीरे धीरे, धीरे धीरे जाएंगे तो बढ़ी रही है धीरे धीरे। रे आधार गजब बो भारी, ओ आधार गजब बो भारी, गजब बो भारी। अजो होनी की घड़ी न चल रही है धीरे धीरे, अरे कलम जगी आगे को बढ़ रही है धीरे धीरे। कोई चीज आप लिखते समय भूल तो नहीं रहे हैं? ना ना ना, आप और बोलिए, अभी तो कागज बाकी पड़ा है। तो सुनो, सौ सौ न मेवा लिख दीनी, सौ सौ मन मेवा लिख दीनी, और सौ मन हल्द सुपारी है, गुड़ बूरो खाण बतासा है, और चामर शक्कर न्यारी है। और सेव संतरा लिख दे है, अमरूद फाल से मंगवाइयो, और अंगूरन की भर के आयो तो गरी तो यहाँ पे लइयो। नींबू नारंगी समदी दी और मती भूल घर पे जइयो, तो सो मन पे कोई चीज अरे मन खोली द्वारे पे लइयो। लिख दी सोमन हल्दी, सोमन सुपारी, सोमन धनिया, कोई चीज सोमन से कम हमारे दरवाजे पे लेके मत आना। सब लोग मुस्कराने लगे, तो अलो रामा की सास आएगी, चिट्ठी लिख दई है। हाँ लिख रही, क्या तुम भी खुद लिखवाना चाहती हो? हाय दुकरिया ने दुकरे फेल कर दो, खुद लिखवान लगे। का लिखवा रही है? रामा की सासुर साई है, दुई पथरा दाए लिखाई है राम। मेरी सिलबट नाया रे नाई है, मैं तो सोने को
मंगाई है, सब चेत गए मुस्कियाई है, और नरस की हंसी कराई है सब। लिख दीजिए इसमें, परसों बच्चे ने सिलबटना फोड़ डालो, समधी जो आए तो सोने को सिलबटना लेके चले। इस तरह का खत लिख दिया है और नाई को बुला के कहने ले, ले भैया नाई पाती ले जा समझाने को, लेकिन घर से ले जाइए खाने को। आज जो खत को ले जा जूनागढ़ के लिए, मगर खाने को लिए जा। नाई कहने लगा सौ सौ मन से कोई चीज कम तो लिखवाई नहीं, और उसके यहाँ खाने को भी नहीं मिलेगा। कहने लगे ले जाओ, हम ना जानते हैं वैसे ही दो लमन मुफारे दिमाग ना खराब हो जाए। नाई कहने लगा सब प्रभु देखेगा, और मेरे नौजवान साथियों कहने लगा हमें तो जाना ही है। और आज सिरसागढ़ से नाई जूनागढ़ में पहुंचा, आवाज दे रहा है अरे कहां नरसी सेठ बिराजे कोई हमको देव बताई। भैया ये जूनागढ़ है ना? हाँ जो बताओ भैया, जो नरसी सेठ रहते हैं। नाई सबसे पूछे डोले, बाणी मीठी मधुरी बोले, सो लोग तो हसन लगे काल लेंगे भैया नरसी तो ही नाए खेत में लड़सी तो ठारी। अरे तू सेठ बताए रहो, वहां तो मेठियो नाए जहाँ कोई नरसी, तू कौन को ना पूछ रहे हो है? ए नाई सबसे कहे सेठ का रहे हमें बतलाओ, जो कहे तो यो ही कह रहो रे आंगारू बढ़ के जाओ। कोई ना अंगेला चले जाओ अंगेला। अरे अंगेला जइयो अंगारू जइयो बढ़ के जइयो दादा मेरे जइयो, जो कहे तो यूं ही कह रहो रे अंगारू बढ़ के जइयो। और पहुंचे रे हंस जाए और मुस्काए, हुआ क्यों जाओ हुआ क्यों जाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ, का बाबा जी ते काम हमें बतलाओ। अरे भैया कहीं नरसी सेठ रहते हैं, जो आवाज देता वो ये कहता आगे बढ़ के जाओ भैया हमको नहीं मालूम है। अंदाजा लगा ना, आज नरसी के पास दौलत होती तो 50 इंसान उनका पता बताने को तैयार थे लोगों, लेकिन नरसी के पास दौलत नहीं है, हर व्यक्ति ठुकरा देता है नाई को। बहुत से लोग कहने लगे भैया कहाँ से आए रहे हो, तो नरसी का पता लगाने वाला नाई जो है क्या कह रहा है, अरे भाव सीरा सा गलत मेरो आना, और जाना रसी को ऐसा मध्याना, भैया मैं सिरसागढ़ से आया हूँ जहाँ नरसी को समझानो है, और हम खत लाए हैं, इसलिए हमें नरसी को पतो बता दो। कुछ लोग जो सज्जन थे वो कहने लगे देखिए तुम्हें किसी ने गुमराह कर दिया। कैसा गुमराह? नरसी सेठ नहीं है, नरसी एक महात्मा है, इसलिए हम तुम्हें एक अकल बता दें। क्या? पूर्ववासी बोले नाई से हम तेरे लिए बताते हैं, नरसी के भाई बंद और जो नामी से सिखाते हैं। तुम सीधे वहीं चले जाइयो जा मिले प्रेम से मेहमानी, जो बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी।
बाबा जी के पास जाओ तो मुश्किल मिल वो है पानी। मेरी अगर कहीं मानते हो तो नरसी के भैया बहुत अच्छे सेठ हैं, जिनका समाज में आदर होता है, तुम उनके पास चले जाओ। और नरसी के पास गए तो पानी भी नहीं मिलेगा, पानी। हाँ भैया जब बता दो नरसी के भैया किधर हैं। ऐसे चले जाओ, वो ऊंची वाली जो अटारी है ना, वही कोठी उनके भैयन की है। मेरे नौजवान साथियों, आज नाई जो है नरसी के भैया के पास पहुंचा। विक्रम बैठा हुआ है तखत पे, नीचे अन्य लोग बैठे हैं। क्या किया है नाई ने? चलो हुआ लुटे ढाई से जगत जाए दंडवत कीनी। क्या किया है? जन भात पत्र का कार्य रे देव से पंचो दीनी। भैया लीजिए, किसका खत है ये? महाराज आप खुद पढ़ लीजिए। जिस समय नरसी के भैया विक्रम ने खत पढ़ा है, ओ पाती बाकी खोल से तेरा बोल ही अनु क्यों दीनी, ही अनु क्यों दीनी। नाई को दो फटकार रे ना पाती पंचोली। अरे न पाती लीनी, न पाती लीनी, भूपने लीनी, राम बन लीनी। नाई को दो फटकार न पाती लीनी, नाई को दो फटकार न पाती। ये तो बाबा का खत है ना? हाँ हाँ, हमने सुना है कि वो आपके भाई हैं। एकदम से दांती को पीस कर विक्रम करने लगा, कमीना। किस नालायक ने बता दिया कि वो मेरा भाई है? खबरदार, वो मेरा भैया नहीं है। देखिए, अगर घर में दाने हो तो नरसी के नाई को इस तरह फटकारा नहीं जाता। आज नरसी के नाई निकल के चल देता है, विक्रम ने रोटी तक ही नहीं बूझी। मेरे नौजवान साथी, हुआ क्या है? रोता हुआ जा रहा है गली में, अरे मनसा सेठ, पूरो दिन गाओ बीत रहे मैंने चक्कर दादा लगाओ। क्या किस्मत है मेरी, नरसी को मैं पता रे कौन भैया पाओ। ओरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजे, ओरे मुरली वाले श्याम खबरिया मेरी ले लीजे, ओरे बंसी वाले श्याम खबर निक मेरी ले लीजे। मेरे नौजवान साथियों, आज नाई गलियों में भटकने लगा है, मगर कोई पता नहीं बताता है। इधर भगवान ने देखा है कि मेरे भक्त का नाई गलियों में ठोकरें खा रहा है और कोई उसे मार्ग बताने वाला नहीं। याद रखना नौजवानों, नाई के आंखों में आंसू देखे हैं। हाय हाय, मुरली मनोहर बाई गली में आए गए, नाई को भेष धर के। राधा कृष्ण भाई दोनों तरफ से आदान प्रदान होने के बाद भगवान पूछने लगे, भैया कौन से नगर से आए हो? जवाब दियो है, मैं सिरसागर से आया हूँ, जन नरसी को समझानो है और भात की पत्र का लाया हूँ, लेकिन कोई मैं नरसी को पतो ना बता रहे हो है। कौन लोग हो भैया तुम? जवाब दियो, हूँ तो नाई हूँ। भैया भगवान कहने लगे, नाई हम हूँ हैं और जाई गाँव में कमात खात है। भैया तुम जानत हो नरसी कहाँ रात है? जवाब दो, हम जानत है। सुन, हमारे साथ चलो, बिरादरी की हो ना? सच कह रहा हूँ लोगों,
एक बार आंसू बहा के तो देखो, वो प्रभु तुम्हारे गले का हार बन जाएगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा, राह से मोला का जो हैरान न होगा, राह से मोला का जो हैरान न होगा। दुनिया के तू चक्कर में फंस के प्रभु को भूल गया, तेरे समान पागल कोई शैतान न होगा, तेरे समान पागल कोई